मेरी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की है। सिर्फ नमाज पढ़ी ईद की, लंच किया घर में, और 2 बजे मैं थिएटर में रिहर्सल कर रहा था ईद वाले दिन। मेरी तो ये चाहत थी कि कश्मीर का एक अपना टेलीविजन चैनल हो, मतलब डायरेक्टर का जो दखल है वो फिल्म के हर एक डिपार्टमेंट में है। मैं कहा डायलॉग ईजी नहीं होगा अगर अच्छे राइटर ने लिखा है। आप अपनी ज़बान को मोड़िए, आप अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए, डायलॉग तो यही रहेगा। आर्टिस्ट को अपने रोल में रचना है, लेकिन इतना रचना है कि वो एक्टिंग ना लगे, नेचुरल लगे। कश्मीरी अपनी मादरी ज़ुबान है, इससे मोहब्बत कीजिए, बेपनाह कीजिए, लेकिन उर्दू और हिंदी से नफरत मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काजी सईद शफीक, कश्मीर पेट्रियाट का एक मुलाकात प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। जी हाँ, आज बुधवार है और आपको इंतज़ार होगा अपने पसंदीदा प्रोग्राम एक मुलाकात का। तो इस एक मुलाकात प्रोग्राम के आज के हमारे मेहमान होंगे मुश्ताक अली अहमद खान साहब, जो फिल्म मेकर और एक बेहतरीन डायरेक्टर होने के साथ साथ एक आला किस्म के एक्टर भी है। आज इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अब तक क्या अचीव किया और किस तरह वो इस इंडस्ट्री में आए, तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। मुश्ताक साहब, इससे पहले हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी इब्तदाई तालीम और आपकी इब्तदाई परवरिश कहाँ पर हुई। मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं श्रीनगर शहर में पैदा हुआ हूँ, मेरी पढ़ाई भी यहीं हुई है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक मैंने श्रीनगर में ही पढ़ा है और मैं अपने इस शहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अगर हम अपने इस बरसगीर की बात करेंगे, तो यहाँ जब किसी बंदे को सरकारी मुलाजमत मिलती है तो फिर वो इसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। अगर यूँ कहेंगे कि आप में इस इंडस्ट्री में आने का ये इतना ज़्यादा पैशन था कि आपने सरकारी मुलाजमत छोड़ दी इस प्रोफेशन के लिए। आपने लगता है काफ़ी अच्छी रिसर्च की है मेरे बारे में। जी हाँ, मैं जॉब करता था और 3-4 साल मैंने जॉब में रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किया मैंने जॉब को, लेकिन क्या होता ना कि वो जॉब की इंटरेस्ट एक अलग चीज़ होती है और फनकारी एक अलग चीज़ होती है। मुझे लगा कहीं कहीं इन दोनों में टकराव होने लगा था और असर पड़ने लगा था मेरी आर्टिस्टिक एक्टिविटी पे, मेरी एक्टिंग या जो भी मैं काम करता था थिएटर का, टेलीविज़न का। तो फिर मैंने कहा नहीं, देखते हैं, तो जॉब को मैंने सलाम अलैकुम कर दिया, अलविदा कर दिया और पूरी तरह से इस फील्ड में आ गया। थिएटर में आने के लिए ये जहन आपने कैसे बना लिया कि मैं थिएटर ज्वाइन कर लूँगा। मेरी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की है। लोग थिएटर से रेडियो, टेलीविज़न, फिर फिल्म में जाते हैं। मेरी डायरेक्ट एंट्री टेलीविज़न में हुई है और ये तब की बात है जब मैं बच्चा था, कोई 8वीं या 9वीं में पढ़ता था, तो बच्चों के प्रोग्राम में स्किट्स हुआ करते थे, छोटे छोटे ड्रामे होते थे, तो मुझे मौका मिला उनमें एक्टिंग करने का। तो मुझे याद है सरोजनी रैना जी तब थी प्रोड्यूसर बच्चों के प्रोग्राम की, उसमें मैंने स्किट्स में काम किया हुआ है। 74 की बात है ये। तो वहीं से करता करता फिर मैं मतलब मैट्रिक था, पीयूसी था, फिर घर वालों ने मना किया रेडियो टीवी जाने से, बोला पढ़ाई कर लो। और मुझे लगता सही था, अगर मैं लगातार रेडियो टीवी के साथ जुड़ा रहता या थिएटर के साथ तो शायद मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो पाती। तो फिर थोड़ा सा ब्रेक लगा, लेकिन ब्रेक के बाद फिर मैं जब कॉलेज में थोड़ा सा सेकेंड ईयर में था तो मैंने फिर से रेडियो ज्वाइन किया। युवानी सर्विस एक हुआ करती थी नौजवानों के लिए, एक सर्विस थी, तो उसको ज्वाइन किया, उसमें प्रोग्राम देता था। तो उसके बाद मैंने ऑडिशन किया रेडियो का भी और टेलीविज़न का भी, ड्रामा ऑडिशन, मतलब बड़ा होने के बाद जब ग्रो अप हो गया तो फिर मैंने ड्रामे शुरू किए टीवी में और रेडियो में, तो उसके बाद मैं थिएटर में गया हूँ। जब आप एक अदाकार, उभरते हुए अदाकार बन रहे थे, तो लोगों ने आपकी जो खतुखाल थी, आपका जो शबिया था, लोगों ने मंसूब किया कि अब कश्मीर को एक शशि कपूर मिल गया, क्या कहना चाहेंगे आप। मुझे नहीं मालूम किसी ने कहा है, आप कह रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है, लेकिन मेरा शौक़ था काम करने का, करता रहा, करता रहूँगा, और इस उम्र के बाद भी अगर कोई मुझे चांस मिलता है एक्टिंग का, मैं छोड़ता नहीं हूँ। हाँ, कहानी क्या है, रोल क्या है, उसको कौन सी टीम बना रही है, उससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक अच्छी कहानी को भी अगर डायरेक्टर अच्छा ना मिले तो ख़राब हो सकती है, तो इसलिए वो देखता हूँ। लेकिन काम मैंने छोड़ा नहीं, ना एक्टिंग का, ना डायरेक्शन का, तो ये खुशनसीबी अगर मेरे को कोई तारीफ़ का नाम देता है। थिएटर के लिए आप एज प्रैक्टिशनर भी काम करते हो, पिछले 4 दहाइयों से आप इस प्रोफेशन में जुड़े हुए हो, तो क्या ये ज़रूरी है कि एक आर्टिस्ट को थिएटर में काम करना चाहिए। देखिए, जो थिएटर, टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म, ये जो अलग अलग मीडिया हैं, थिएटर को मैं इन सब मीडिया का बुनियाद मानता हूँ, क्योंकि थिएटर में आप एक एक एक्शन, एक एक रिएक्शन, एक एक डायलॉग डिलीवरी पे काम करते हो।
जो रेडियो है उसमें सारा जो प्ले है वो दो तीन दिन में बन जाता है, एक रीडिंग की रिकॉर्डिंग हो गई। टेलीविज़न में पहले हमारे टाइम पे तो 10-15 दिन की रिहर्सल हुआ करती थी, रीडिंग करते थे फिर करते थे, तो लेकिन वहाँ कैमरा जब ऑन होता था, स्टूडियो की बात कर रहा हूँ मैं, स्टूडियो रिकॉर्डिंग में, वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था कैमरा कहाँ पर लगाओ, क्योंकि 3 कैमरा या 5 कैमरा सेटअप पर काम करते थे, तो कौन सा कैमरा उस वक्त आपको टेक कर रहा है, फ्रंटल ले रहा है, साइड से ले रहा है या लॉन्ग शॉट ले रहा है, वो पता नहीं चलता था। तो मैं बात स्टूडियो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ जिसमें 4-5 कैमरा एट अ टाइम काम कर रहे होते थे, और एक एक्टर को नहीं मालूम होता था कि उन 5 कैमरों में कौन सा उसको ले रहा है, वो क्लोजअप में है, मिड शॉट में है, लॉन्ग शॉट में है, उसको मालूम नहीं होता था, उसको अपना काम करना होता था। तो कैमरा रिहर्सल हमें नहीं मालूम होती थी कि हमारा क्लोजअप है, लॉन्ग है, क्या है, हमने स्टेज की तरह काम करना होता था। हाँ, उसके लेकिन डायलॉग, उसकी जो मूवमेंट है, उसकी 10-15 दिन रिहर्सल होती थी, एक प्ले की बात कर रहा हूँ। तो आप आते हैं जब फिल्म में तो आप जब मेकअप कर रहे होते हैं, जिस दिन आपका रोल होता है उसी वक्त आपको लाइंस पकड़ाई जाती हैं, तो फिल्म में आपका कोई इंतज़ार नहीं करेगा रिहर्सल करने का, यू हैव टू बी रेडी। मतलब आप घर से, आपको नहीं मालूम कि कैरेक्टर क्या है, या आपको मान लीजिए कैरेक्टर डिस्कस हो गया है लेकिन आपकी कौन सी लाइन्स हैं, कौन सा सीन आपको नहीं मालूम है। मोस्ट ऑफ द टाइम फिल्म में आप मेकअप कर रहे हैं तो उस वक्त आपको लाइन्स पकड़ाई जाती हैं, वो लाइंस फिर 2-4 लाइनें हों, पूरा पेज हो या 5 पेज हो, ये आपको उस आधे घंटे 1 घंटे जब तक आपके कॉस्ट्यूम और मेकअप हो रहा है उसी में आपको तैयार करना है। तो फिल्म में आपको ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं, आइदर यू सक्सीड इन डूइंग दैट, यू आर ऑन, यू आर नॉट एबल टू, यू आर आउट। इस इंडस्ट्री के तवील अरसे के सफ़र में कोई खुशगवार वाका जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहोगे? खुशगवार मौके तो मतलब मुझे ये लगता था, थिएटर की बात करूँगा, जिस दिन थिएटर का शो होता था मुझे लगता था मेरी ईद है आज। कई बार ये हुआ कि ईद के 3rd-4th दिन हमारा शो होता था, तो ईद वाले दिन उसमें ज़्यादातर, तब 90 से पहले की बात है, सब गैर मुस्लिम थे, मैं अकेला मुस्लिम था, तो उन्होंने बोला ईद को रिहर्सल करनी है तो मुश्ताक आएगा नहीं आएगा, मैं कह जी सिर मुझे नमाज़ पढ़ने और घर में जो लंच करने का टाइम दे दीजिएगा मैं आ जाऊँगा, यकीन कीजिए इतना ही टाइम चाहिए। हाँ, सिर्फ नमाज़ पढ़ी ईद की, लंच किया घर में, और 2 बजे में थिएटर में रिहर्सल कर रहा था ईद वाले दिन, क्योंकि ईद के 3rd-4th दिन हमारा शो था। तो क्योंकि मुझे कोई ज़बरदस्त सी नहीं थी, मैं इन्जॉय करता था, और हर एक आदमी जो लगन रखता है, जज्बा रखता है थिएटर का, थिएटर के शो को लगता है कि मेरा जन्मदिन है या कोई पार्टी है या बड़े वो सेलिब्रेशन वाला दिन लगता था। और अब बात करें खुशगवार, तो मेरे लिए हर एक शो खुशगवार होता था। तो एक तो ये मेरी खास था कि जब एक फेस्टिवल में मैंने 3 प्लेस किए, और वो भी तीनों लीडिंग रोल में, और एक दिन मेरा क्या था, टेलीविज़न और रेडियो की बात है, अब मैं एट अ टाइम कभी 2-2 प्रोडक्शंस भी होती थी, तो एक दिन का ऐसा जिक्र हुआ कि मैं रेडियो में न्यूज़ भी पढ़ी है कुछ देर, तो एक ही दिन में मेरी रेडियो में 2 बुलेटिन आए, एक सुबह 9:20 का बुलेटिन पढ़ना था, 12:30 का बुलेटिन पढ़ना था, और एक शूटिंग आ, 2 शूटिंग्स और रिकॉर्डिंग। मेरा दिमाग चकराया कि मैं किसको इनकार करूँ, इनकार करने की हिम्मत नहीं होती थी, और जॉब भी करता था उन दिनों, तो जॉब से तो खैर लीव ले ली उस दिन, सुबह 9:30 जाके बुलेटिन पढ़ा रेडियो का, फिर गया मैं टेलीविज़न, तो और ब्रीफ के साथ में था, सब कॉस्ट्यूम्स उसमें थे, तो पहले स्टूडियो में नज़र मारी, स्टूडियो में क्योंकि टाइम लगता था सेट लगने में, तो सब जो प्रोड्यूसर थे उनको सलाम की, तो मैं कहा जी मैं यहीं पे हूँ, बोला हाँ ठीक है मेकअप करो, मैं ठीक है मैं यहीं हूँ, मतलब कशफट माना तेमें समय शक्ल, फिर गया शूटिंग वालों के पास, तो मैं कहा सर क्या प्रोग्राम है, बोला बस कैमरा रिक्वेस्ट दिए, कैमरा आता है हम शूट पर जाते हैं, फिर गया तीसरी शूटिंग पर। अब मैं सोच रहा हूँ अगर तीनों ने एट अ टाइम या चारों ने एट अ टाइम बुलाया तो मैं क्या करूँगा, मैं देखते हैं क्या होता है। तो करते करते क्या, वो 2 शूटिंग्स थी बाहर आउटडोर, एक रिकॉर्डिंग एक रेडियो, एक शूटिंग बाई चांस कैंसिल होगी, मैं कह चलो एक चीज़ कम हो गई, तो दूसरी शूटिंग में भी थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था, तो इतने में 12 बजने का टाइम करीब आने लगा, मैं भाग गया रेडियो और 12:30 का बुलेटिन पढ़ा, चलिए एक चीज़ हो गई, फिर आया फिर मैं गया स्टूडियो में, तो वहाँ देखा अभी सेट वेट, बोलो मेकअप मैं मेकअप कर लिया, क्योंकि वही मेकअप मेरा शूटिंग में भी लगना था और स्टूडियो रिकॉर्डिंग में भी लगना, तो मेकअप करके मैं रेडी हो गया, तो बोला बस लाइटिंग हो रही है तो अभी करते हैं, तो मैं गया शूटिंग वाले क्रू में, एक दिन की कहानी है, तो मैंने कहा जी क्या, बोला हाँ चलो स्कूटर चलाना आता है, और अफसोस की बात मुझे स्कूटर बाइक आज भी चलाना नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा मैंने शूटिंग्स में ही या उसमें चलाया है, वो किसी का स्कूटर दिया उन्होंने बोला चलाओ, और पीछे हीरोइन को बिठाना है,
तो हीरोइन को बोल दिया, मैं कहा मुझे चल, मैं नहीं चलूंगी यार, चलो यार इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि साइकिल चलाया है, गाड़ी चला, तो स्कूटर मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस है नहीं मुझे, तो यकीन माने हीरोइन पीछे बैठी, स्कूटर ले गए, चला, और स्कूटर पे ही डायलॉग्स थे, उन्होंने माइक वाइक का कुछ अरेंजमेंट किया था या वाइल्ड में लेके बाद में डब करना था, तो स्कूटर चलाया मैंने, शूटिंग वूटिंग की, तो हीरोइन पर जो डरती रही कि पहले बार चला रहा कहीं गिराएगा, लेकिन हो गया, तो एक दो सीन फिर उसी के शूटिंग के खड़े होकर कहीं डायलॉग वालग थे वो भी दिए, ये हो गया, शूटिंग भी हो गई, दो बुलेटिन भी पड़े, फिर भागा मैं स्टूडियो, तो वहाँ थोड़ी लेट हो, कहाँ गए थे, मैं कहा मैं कैंटीन में चाय पी रहा था, उनको ये नहीं पता कि ये शूटिंग करके आया है और दो न्यूज़ के बुलेटिन दिन में पढ़ के आया है, फिर मैं आराम से वहाँ सुकून से बैठा, उन लाइनों को नज़र मारी, तो फिर मैंने वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी की, तो एक दिन में मैक्सिमम मेरा ये काम था, तो उसमें बड़ी एक्साइटमेंट, बड़ा मज़ा आता था, आज भी जब एट अ टाइम इतने काम मैं कर पाऊँगा अगर मौका मिलेगा तो एक्साइटमेंट रहती है, मज़ा आता है। तो सर आपसे मैं ये पूछ रहा था कि जो हमारे यहाँ लैग कर रहे हैं कि हमारी एक अपनी इंडस्ट्री होनी चाहिए, तो मुश्ताक साहब जैसी बड़ी कद्दावर शख्सियत, क्या ये चीज़ें लैग नहीं कर रही है कि यहाँ पर हमारी एक अपनी इंडस्ट्री होनी चाहिए हमारे इन आर्टिस्टों को लेकर? होनी चाहिए, सबसे पहले आप कद्दावर बोल रहे हैं, मैं बहुत छोटा बड़ा इंकसारी वाला इंसान हूँ, मैं कद्दावर नहीं हूँ, ना समझता हूँ। हाँ, ये आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा बोल रहे हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। ये फिल्म इंडस्ट्री होनी चाहिए और एक हिसाब से मैं मानता हूँ कि है, सिर्फ यहाँ पे दो तीन चीज़ों की कमी है कि कोई इन्वेस्ट नहीं करता, और इन्वेस्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर 1 करोड़ या 50 लाख लगाता है, लेकिन क्या वो 1 करोड़ का 2 करोड़ बना पाएगा? ये सब उससे जुड़ी हुई, ये उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। बॉम्बे में देखिए आप जाके, वहाँ पर कुछ लोग हैं जो इन्वेस्टर ही हैं, फिल्म फाइनेंसर ही हैं, तो वो कोई भी इंसान ऐसे तो पैसा लगाएगा नहीं, लेकिन उनको मालूम है। एक बार मेरी एक फाइनेंसर से बात हुई, ऐसे किसी और सिलसिले में मैं गया था, तो उनसे बात हुई, मैं कहा आप क्या सोच के पैसा लगाते हैं और क्या? उन्होंने बोला मुश्ताक भाई, ये आपसे को 8-10 साल पुरानी, बोला शाहरुख खान का साइन ले कर आ जाओ, जितना पैसा चाहिए ले लो। तो मुझे अपनी जगह लगा कि इसको मालूम है कि शाहरुख खान साहब, अपना अक्षय कुमार, सलमान खान, इनका अगर साइन आ जाए, सिर्फ साइन, बोला स्टोरी वटोरी बाद में देखेंगे, इनका साइन लेके आ जाओ, कितना फाइनेंस चाहिए ले लो। उनको मालूम है स्टार कास्ट अगर आ गया तो फिल्म चलेगी चलेगी, रिटर्न्स आएंगे आएंगे, और फाइनेंसर जो है 1 करोड़ का 2 करोड़ या 4 करोड़ बनाएगा बनाएगा, तो इसलिए वो फाइनेंस करता है। मतलब कोई ये खैरात नहीं करता, कोई घर से कोई अपना पैसा लुटाना नहीं चाहता, तो वो अभी स्टेज नहीं आया। मान लीजिए मैं एक छोटी फिल्म बनाता हूँ, 50,000 लाख 2 लाख लगाया, तो चलिए शौकिया मान लीजिए कर लिया मैंने, लेकिन 10 लाख 20 लाख मैं नहीं लगाऊंगा तब तक जब तक मुझे उसकी रिटर्न्स की गारंटी ना हो, तो वहाँ पे हम थोड़ा, हमारा चाहे कल्चर कह लीजिए या वो एक समाजी टैबू है, हमारा सोशल टैबू है कि हम ज़रा, जो हमारा समाज है आर्ट एंड कल्चर की तरफ ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए अभी रिटर्न्स जब तक नहीं आएंगे अपनी कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री, तब तक नहीं बन पाएगी। चलिए मैं मान लीजिए आगे आता हूँ, लेकिन मुझे फाइनेंस की ज़रूरत है, फिर फाइनेंस के बाद हमें लोग चाहिए, जो ऑडियंस है, जो देखने वाले, जो टिकट दे के फिल्म देखेंगे, ताकि हमारे रिटर्न्स पूरे हों, तो ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने एक छोटी सा, वो जैसा आपने जिक्र भी किया, एक छोटा सा एक शुरू की थी एक्टिविटी, कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल, बिल्कुल, जबकि उसमें इतना ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 10-20 लाख चाहिए बराबर। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सी शुरुआत करते हैं, 2-3 लाख से शुरुआत करते हैं, हो सकता है फिर स्पॉन्सर्स भी आ जाए। तो स्पॉन्सर्स के मामले में मैं कामयाब नहीं हुआ अभी तक, लेकिन आपकी दुआ से, मेरे चाहने वालों के, मेरे बुज़ुर्गों सीनियरों की दुआ से, वो जो हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट की वो कामयाब हो गई। कश्मीर के टैलेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बेपनाह टैलेंट है हमारे पास, अगर हम बात करेंगे आजकल के नौजवानों की, तो क्या लग रहा है आपको, सही सिमत में जा रहा है आज का नौजवान अपने टैलेंट को लेकर? माशाल्लाह टैलेंट हमारे पास, आर्टिस्ट हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, कोई कमी नहीं है, बस उस टैलेंट को ऑर्गेनाइज़ करने की, या जैसे कहते हैं ना फिल्म बनने को तैयार है, प्रोड्यूसर और फाइनेंसर चाहिए, या आप टेलीविज़न कहिए। मेरी तो ये चाहत थी कि कश्मीर का एक अपना टेलीविज़न चैनल हो, जिसमें, अब फिल्म में तो पैसा बहुत दरकार है, टीवी चैनल में उसको एस्टेब्लिश करने में पैसा चाहिए, बाद में पैसा इतना नहीं चाहिए होता है, लेकिन एक टेलीविज़न चैनल हो जिसमें पूरे कश्मीरी लोग ही काम करें, आर्टिस्ट हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, या बैक स्टेज हो, सब लोग कश्मीर के जुड़ के काम करें। तो कश्मीर में आर्टिस्ट की कोई कमी नहीं है। मैं आजकल, खता कलामी माफ़, यूट्यूब पर कभी कभी छोटे छोटे वो प्लेस देखता हूँ,
जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं होता, पता चलता है कि वो एक ने टेंट बनाया था, दुपट्टा रखा तो टेंट बना लिया, लेकिन समझ में आती है। आपने सही फरमाया, कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है। वो टैलेंट चाहे आर्टिस्ट का हो, डायरेक्टर का हो, राइटर का हो, बैक स्टेज में मेकअप कॉस्ट्यूम का हो, हर लिहाज से हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। बस उस टैलेंट को इस्तेमाल करने की, कहते हैं ना अगर फिल्म तैयार है तो फिल्म के फाइनेंसर और प्रोड्यूसर की कमी है, तो ये दो कमियाँ हमारे में हैं। तो पैसा और उसको कहाँ पर किया जाए, कैसे किया जाए, तो टैलेंट चाहे थिएटर करना हो, टेलीविज़न करना हो, फिल्म इंडस्ट्री, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। और यहीं पे मैं चाहता था कि कम से कम एक कश्मीरी टेलीविज़न चैनल तो बने जिसमें सबको मौका मिले और सब अपना हुनर दिखाएं। मैं बात करूंगा, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे नौजवान जो हैं एक्टिव हैं, ठीक है वो उनके पास सेट नहीं होता, प्रॉपर मेकअप नहीं होता, मतलब ऐसे ही दुपट्टा लेके लड़के को लड़की बना देते हैं या जवान को बूढ़ा बन देंगे बना देंगे फिर कुछ दाढ़ी लगा के, मतलब बड़ा वो बचगाना सा उनका एक इनिशिएटिव होता है उसको लेकर के, चाहे वो मेकअप हो, कॉस्ट्यूम हो, लेकिन उनमें जो कंटेंट होता है, जो वो बात करते हैं, जो वो एक्टिंग करते हैं, कमाल की करते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि ये टैलेंट सामने हमारे पास क्यों नहीं आता। तो टैलेंट की कमी नहीं, वो क्या वो मजाक में कर रहे हैं, नो डाउट उनके लिए एक फ़न है, लेकिन उनका कंटेंट कितना ज़बरदस्त होता है। आप उस कंटेंट पे अगर एलोबरेट करें, सीरियसली कोई राइटर बैठ के उसको लिखे तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन सकती है। या उनकी एक्टिंग कमाल की होती है, स्पॉन्टेनियसली करते हैं, उनके पास शायद कोई डायरेक्टर होता ही नहीं है, वो दो तीन लड़के मिल गए तो बहुत सारे ग्रुप्स अपने आप करते हैं वाला चक्कर ये तो कर ये तो एग्जैक्टली सर। जब मैं देखता हूँ मुझे समझ आती है इनके पास डायरेक्टर कोई है नहीं, राइटर भी नहीं है, इन्होंने वही एक्सटेम्पोर ही डायलॉग बोल रहे हैं खुद से। तो लेकिन जो उनके जो मैसेज वो देते हैं, जो एक्टिंग जिस कमाल की करते हैं, और जब हम मतलब फॉर्मली थिएटर या टीवी का तो लगता है कहीं कहीं नकली हो रहा है, आर्टिफिशियल लग रहा है, लेकिन उनमें वो आर्टिफिशियलिटी बिल्कुल नहीं है, एकदम नेचुरल एक्टिंग, नेचुरल काम करते हैं। जबकि लगता है उनके पास कैमरा अच्छा नहीं, मोबाइल से सब काम करते हैं, लाइटिंग प्रॉपर नहीं होती है, उनके पास कॉस्ट्यूम मेकअप नहीं होता है, सेट भी ऑर्डिनरी होता है, लेकिन उनकी जो कला है, उनका जो फ़न है, वो ज़बरदस्त होता है। मैं उनको सलूट करता हूँ। अभी तो मैंने ज़बान से इनकी एनकरेजमेंट की है, लेकिन कश्मीर का कोई भी बच्चा, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी ग्रुप मेरी कोई भी मदद चाहता हो बगैर उजरत के, मैं कोई फ़ीस नहीं लूँगा, उनके लिए मैं हाज़िर हूँ, मेरी सर्विसेज हाज़िर हैं। अगर उनको मेरी कहीं ज़रूरत लगे किसी भी तरीके से, मेरे नौजवान जो कश्मीर के हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको कहीं भी ज़रूरत हो मेरी, मैं वहाँ अपने खर्चे से पहुँच के उनकी मदद के लिए तैयार हूँ, वॉलंटियरली हेल्प करने के लिए तैयार है। मुश्ताक साहब जो हमारे एक मुलाकात प्रोग्राम के इस वक्त आज के मेहमान हैं और वॉलंटियरली हेल्प करना चाहते हैं उन नौजवान लड़कों को जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने वॉलंटियरली ये हेल्प आप लोगों के लिए रखी है। मुझे उम्मीद है कि आप इनकी इस ऑफ़र को खुले दिल से आप इसको ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे, और इंशाल्लाह रहमान मुश्ताक साहब का दरवाज़ा आप जैसे नए आर्टिस्टों के लिए हमेशा खुला रहेगा। तो सर ये बात आपसे जानना चाहूँगा कि एक फिल्म मेकर और एक एक्टर में कितना बड़ा फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब एक्टर को क्या है, एक तरह से ये आराम है कि उसने सिर्फ एक्टिंग के बारे में सोचना है, अपनी लाइन्स तैयार करनी है, अपना एक्सप्रेशन, अपना मूड। फिल्म मेकर चाहे वो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, या दोनों प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिल के दोनों हैं, तो उसकी जो हेडेक है, जो परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। अब मैं थोड़ा मवाजा यूँ करूं कि एक्टिंग की भी परेशानियां कम नहीं होती हैं, क्योंकि उसको जो लाइंस मिली हैं, उसको जो डायरेक्शन मिली है कि आपका ये रोल है, उसको बराबर उस पर उतरना है। और सबसे खूबी ये है कि वो लगे ही ना कि वो एक्टिंग कर रहा है। अगर एक्टिंग का एक्टर का लगे कि एक्टिंग कर रहा है तो वो फेल है। वो जितना नेचुरल होगा, जितना बिल्कुल लगेगा कि उसने कोई एफर्ट कोशिश ही नहीं की है, उसको मैं अच्छा एक्टर मानता हूँ। मैं दो एक्टरों की मिसाल देना चाहूँगा, इरफान खान साहब मरहूम और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनका लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं यार, उनको तो अच्छा ये तो बात कर रहे हैं। एक बार मेरे साथ हुआ, उन एक्टर का मुझे नाम याद नहीं है, हम शूटिंग कर रहे थे, मैं भी उसमें था, तो पहाड़ी जैसी थी, ऊपर वो कर रहा था, बंदा दिल्ली का था, मुझे नाम उनका याद नहीं है, तो ऐसे बात कर रहा हूँ दूसरे से, तो मैं दूसरे चढ़ाई से चढ़ के आ रहा था, पहाड़ी जैसी थी, तो मैं उसके करीब से गुजरा और उससे बात करता हूँ, नहीं तो क्या किया, शॉट खराब किया, मैं कौन सा शॉट। वो दूसरे एक्टर के साथ बातें कर रहा था, मुझे लगा नॉर्मल बात कर रहा है, तो ऊपर चढ़ के देखा आगे कैमरा लगा हुआ था, मैं उनके सीन में बीच में घुस गया, क्योंकि उनकी जो बातें थी मुझे वो एक्टिंग और सीन लगा ही नहीं, मुझे लगा ये नॉर्मल बात कर रहा है, तो मैं कहता सीन चल रहा था, मैं कहा सॉरी यार, मतलब मैं उसका को आर्टिस्ट, वही सीरियल जिसमें मैं हूँ वही शूट हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगा ये सीन हो रहा है,
मुझे देखा नॉर्मल दो आर्टिस्ट हैं ऐसे पहाड़ी पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं शायद, तो उसकी वो लेवल थी एक्टिंग की, तो वो है एक्टर की कामयाबी। अब ले फिल्म मेकर, चाहे वो प्रोड्यूसर हो डायरेक्टर हो, उसमें क्या है, एक तो उसका जो नॉलेज है बहुत वास्ट चाहिए उसको, उसको कैमरा की समझ होनी चाहिए, कैमरा प्लेसमेंट, कैमरा एंगल, कैमरा फ्रेम क्या लेना है, लाइटिंग की भी थोड़ी बहुत, ठीक है कैमरामैन का अपना काम है लेकिन इसको भी थोड़ा सा दखल होना चाहिए उसमें। लाइटिंग जो है डीओपी करे या लाइटिंग के डायरेक्शन वाले भी अलग से होते हैं, लेकिन इसको क्या चाहिए लाइटिंग में वो इसने डिस्कस करना है, या जो फिल्म डायरेक्टर है फिल्म मेकर उसने स्क्रिप्ट के पे भी बैठना है राइटर के साथ कि ये कहानी है तो इस सीन को ऐसे करें, इस सीन को ऐसे करें। उसके बाद सेट के साथ भी उसका दखल है, मतलब डायरेक्टर का जो दखल है वो फिल्म के हर एक डिपार्टमेंट में है, इवन के एक्टिंग में भी उसको कहेगा नहीं एक्टिंग ठीक नहीं आ रही। अच्छा कई बार क्या होता है जो फिल्म डायरेक्टर या फिल्म मेकर है वो खुद भी एक्टर होता है लेकिन हर जगह नहीं होता। अब जब मैं सीन करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, कई बार मैं एक्टर को बोलता है यार ये सीन है, तो वो कश्मीर नाज ये नाज खैसी ये होगा नहीं, मतलब ऐसे बोलता है जैसे इम्पॉसिबल है, मैं बेटा इम्पॉसिबल नहीं मैं करके दिखाऊँ, अब मैं कहा हट ऐसे करना है, मैं वो एक्टिंग का जो सीन है वो करके उसको दिखाता हूँ। लेकिन वहाँ मैं सोचता हूँ हर एक डायरेक्टर तो एक्टर नहीं हो सकता, होता भी नहीं है, मैं कहा अगर मैं एक्टर नहीं होता, ये होती है डिटर्मिनेशन, नहीं इसी तरह का काम आप जैसे नए आर्टिस्ट को भी ज़रूर करना। और याद रखिएगा हमारे इस अजीम फिल्म मेकर की बातें आप जहन में याद रख लीजिएगा कि किस तरह क्या करना है, ये आपके लिए एक लेसन से भी कम नहीं है। तो उसको मैंने कहा, मैं कहा अगर मैं एक्टर नहीं होता तू तो बेटा मेरे को घुमा गया था कि मुमकिन नहीं, ये कह चुका था, मतलब उसने एक्टिंग में ऐसा तो एक्टिंग में होता ही नहीं है, अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं कहता शायद ऐसा नहीं होता है, या कोई डायलॉग बोलना है, ये डायलॉग ना सुन खसा ही नहीं क्या इस खेश ने। अच्छा कई एक्टर बोलते हैं इस डायलॉग को जरा इजी करो, मैं कहा डायलॉग इजी नहीं होगा अगर अच्छे राइटर ने लिखा है, आप अपनी जबान को मोड़िए, आप अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए, डायलॉग तो यही रहेगा अगर वो सही लिखा हुआ है। तो वहाँ पे एक्टर को, मतलब फिल्म डायरेक्टर या फिल्म मेकर को हर एक डिपार्टमेंट पे थोड़ा थोड़ा अबूर होना ही चाहिए, नहीं तो उसको क्या है टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, कैमरामैन बोलेगा नहीं जी इधर तो टिल्ट होता ही नहीं है, इसमें तो पैन होता ही नहीं है, या शिफ्ट हो उसका शॉट लेना है, डेप्थ ऑफ फील्ड देनी है कहीं पे, जो आजकल कहते हैं कि बैकग्राउंड को ब्लर करो, वो जी ऐसे होता ही नहीं है, ठीक है डायरेक्टर को वो करना नहीं आएगा लेकिन उसको मालूम होना चाहिए कि इस कैमरा से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्रिएटिविटी इसमें कहाँ कहाँ दाखिल कर सकते हैं, या एक्टर से क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं, या एक्टर भी नहीं है वो भी नहीं है बैकग्राउंड है, कभी बैकग्राउंड भी बोलता है, कभी बैकग्राउंड का कलर भी बोलता है। आपने जंगल में सीन करना है पीछे सब ग्रीनरी है, एक्टर ग्रीन ड्रेस पहन ही नहीं सकता, सही बात है, उसको कंट्रास्ट का ड्रेस पहनना है तभी वो दिखेगा, तभी वो दिखेगा, मतलब ग्रीन के सामने ग्रीन पहना तो वो गायब हो गया ना, उसको थोड़ा सा चाहे स्काई में पहने या येलोइश में पहने, उसको फूल लाल होगा पीला होगा जब तक पीछे ग्रीन आएगा तो वो कंट्रास्ट आता है, फूल भी ग्रीन हो गया तो ग्रीन में मिक्स हो जाएगा ना, तो ये छोटी छोटी बातें हैं बहुत सारी जुड़ के, तो फिल्म मेकर का जो है ना नॉलेज और उसका सरदर्द जो है उसका सरदर्द बहुत बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि मैं आर्टिस्ट का सरदर्द कम होता है, आर्टिस्ट को अपने रोल में रचना है लेकिन इतना रचना है कि वो एक्टिंग ना लगे नेचुरल लगे। सर अगर हम बॉलीवुड फिल्म मेकर्स की बात करेंगे, चाहे सत्यजीत रे हो, चाहे बिमल रॉय हो, चाहे शक्ति सामंता हो, विशाल भरद्वाज हो, संजय लीला बंसाली हो, राज कपूर हो, तो कितनी इंस्पायरेशन मिली आप जैसे फिल्म मेकर को? देखिए मैं, मेरा कोई एक आइडल नहीं है, मैं सबसे सीखता हूँ थोड़ा थोड़ा, चाहे एक्टर हो या डायरेक्टर हो, लेकिन डिटर्मिनेशन वाला एक डायरेक्टर देखा है कि आसिफ, मुगल आजम, क्योंकि मुगल आजम फिल्म पे देखना ये पर्दे पे देखना तो एक बात थी, मैं आज भी उनके बारे में पढ़ता रहता हूँ, जो हालांकि उन्होंने ज़्यादा फिल्में नहीं बनाई, उसके बाद शायद एक आध फिल्म ही बनाई होगी, लेकिन मुगल आजम एक माइलस्टोन बन चुका है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, उनकी एक एक सीन की कहानी है जनाब, आप एक सीन पे एक फिल्म बना सकते हैं कि वो सीन कैसे बना, जैसे लता मंगेशकर का एक गाना जो उन्होंने बाथरूम में जाके गाया पर, जी हाँ जी, या वो एक शीश महल का सीन है, उस पर कई रिसर्च करते, आज भी रेडियो टीवी में कभी प्रोग्राम चलता है तो उनके जो टेक्नीशियन हैं आज उम्र में बड़े हो गए हैं, या जो उनके जो ये थे कैमरामैन थे या साउंड रिकॉर्डर्स थे, वो एक एक सीन को लेके एक एक घंटा बात करते हैं। और एक उसमें गाना था जो बड़े गुलाम अली खान से गवाना था, तो
के आसिफ साहब का शौक़ था कि वही गाएंगे, और बड़े गुलाम अली खां फिल्म के लिए नहीं गाते थे। उनके पास गए तो नौशाद, या पता नहीं नौशाद ही थे म्यूज़िक डायरेक्टर, उनको लेके गए तो उन्होंने बोला नहीं जी आप गाएंगे। के आसिफ ने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं गाता ये वो। तो आप बोला बड़े गुलाम अली खान साहब ने बोला कि अवॉइड करने के लिए, तब शायद ये सिंगर 5 या 10 हज़ार के बीच में लेते थे अपनी फ़ीस। तो उन्होंने अवॉइड करने के लिए बोला मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। बोला कितनी फ़ीस है? बोला मैं 25,000 लेता हूँ। इन्होंने आधा चेक काट के दे दीजिए। बोला ये लीजिए, आपने सिर्फ 25,000 ही मांगा, आप 50 भी मांगते मैं वो भी दे देता। तो हैरान हो गए गुलाम, बड़े गुलाम अली खान साहब के ऐसा आदमी है। ये नहीं कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था या फिर, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी लगन जो थी काम करने की, क्वालिटी देना चाहती थी, क्वालिटी देना, मतलब कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं किसी भी चीज़ में। पैसा मतलब बड़े गुलाम अली खान चाहिए तो चाहिए, तो कभी कभी सीख मिलती। और भी ये नहीं कि बाकी से नहीं सीखा है, राज कपूर का अपना स्टाइल है, अपने आजकल सुभाष गई हैं या नए इतने डायरेक्टर हैं, विशाल भारद्वाज का नाम लिया अपने, सभी मेरे मतलब उस्ताद समझता हूँ सबसे। और दुनिया में मुझे लगता है कि अब जिससे जितना सीखने को मिले तो ले लेना चाहिए। जी तो यहाँ बात बनती है बॉलीवुड एक्टर्स और हमारे कश्मीर के एक्टर्स की। कितना फ़र्क देखा आपने, जो हमारे एक्टर्स हैं उनके पास मतलब इक्विपमेंट्स उस तरह के नहीं है, और वो क्वालिटी उनके पास उस तरह की नहीं है, लेकिन एक्टिंग उनको उनके पास कूट कूट के भरी हुई है। तो थोड़ा डिफरेंशिएट कीजिएगा बॉलीवुड के और कश्मीर के अदाकारों की। बड़ा अजीब सी बात है, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क, एक बुनियादी कमी ज़रूर है हम में, कि हम लोग या तो कश्मीरी में बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं, और बॉलीवुड में चलती है उर्दू या हिंदी। हमारे जो भी एक्टर बॉम्बे गए हैं या मुंबई गए हैं, उनकी मैंने देखा उर्दू हिंदी बड़ी कमज़ोर होती है। तो जब शक्ल से तो बहुत खूबसूरत, बड़े हैंडसम लड़के होते हैं हमारे, मॉडलिंग में कमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलते हैं उनके कॉन्फिडेंस का लेवल नीचे गिर जाता है। सब लोग ऐसे देखते हैं कौन बोल रहा है, किसने बोला, क्योंकि उनका तलफ्फुज, उनका लहजा। सबसे बड़ी बात बोली आपने, मैं अब नाम नहीं लूंगा, हमारे बड़े बड़े एक्टर बॉम्बे गए हैं, लेकिन वो पिटते हैं सिर्फ ज़बान की वजह से, तलफ्फुज की वजह से। जो हमारे कोई भी एक्टर बॉम्बे में ज़्यादा रह चुके हैं या जिनकी परवरिश कश्मीर से बाहर हुई है, उनका तलफ्फुज अच्छा होता है, वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कश्मीरी क्या है, वो सीखना भी नहीं चाहता उसको। मैं यहाँ पे ज़्यादातर उर्दू में ही काम करता हूँ, चाहे थिएटर हो या टेलीविज़न हो। मैं इनको कहता हूँ कश्मीरी अपनी मादरी ज़ुबान है, इससे मोहब्बत कीजिए, बेपनाह कीजिए, लेकिन उर्दू और हिंदी से नफ़रत मत कीजिए, क्योंकि उर्दू हिंदी है जो आपको नेशनल लेवल पर ले जाएगी। वहाँ पे कश्मीरी कभी कार कोई फिल्म बन गई 10 साल में, बाकी काम तो आपको उर्दू हिंदी में करना पड़ेगा। अपना उर्दू का तलफ़ हिंदी का तलफ़ अच्छा कीजिए। अच्छा, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा। बॉम्बे में सब लोग जो है वो उनकी मादरी ज़ुबान जो है उर्दू हिंदी नहीं है, वहाँ बंगाली जाते हैं, लेकिन वो उर्दू भी सीखते हैं हिंदी भी सीखते हैं। ये डेडिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कुछ तलफ़ कुछ चीज़ें हैं, जैसे ज़े है, काफ़ है, गैन है, गज़ल वाला गैन, ये उर्दू में सही है, सही। जो उर्दू पढ़े और बोले वो सही कर सकता है, सही बात। या साउथ से हमारे लोग आते हैं, वो उर्दू हिंदी की बाज़ाब्ता तालीम लेते हैं। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, मैंने सुना और मेरे लिए इंस्पिरेशन है। आशा भोसले एक बार इंटरव्यू दे रही रेडियो में, आशा भोसले कहती हैं मैंने उर्दू पढ़ी, उर्दू सीखी, क्योंकि मैं काफ, गैन और ज़े का तलफ़ुज नहीं दे पाती थी, मैंने उर्दू पढ़ी, उर्दू सीखी, आज मैं गज़ल को गज़ल कहती हूँ, गज़ल नहीं कहती हूँ, आका कहती हूँ, आका नहीं कहती हूँ, और ख़ान को ख़ान कहती हूँ, खान नहीं कहती हूँ। ये खाई, ये काफ, ये गैन कहते मैंने उर्दू, ये आशा भोसले की अल्फाज हैं। जब वो उर्दू सीखेगी, हिंदी सीखेगी, तो हम क्यों ना सीखें। और जिसको बॉलीवुड, हाँ कश्मीर में रहना है तो चलेगा, लेकिन जिसको बॉलीवुड जाना है, मैं मानता हूँ उसको एक अच्छे उर्दू दान, जहाँ वो आपका तलफ़ुज ठीक कर सके, एक हिंदी। अब हिंदी में जो है, जो दो चश्म वाली आवाज़ें हैं, जैसे भारत बोलना है, कभी बोलना है, या भारी बोलना है, कश्मीरी बोलता बारी, भारत, ये भारत है, बे दो चश्म है, ये दो चश्म वाले जो चीज़ें हैं, या कहीं पर हिंदी में आधा होता है, जैसे हम बोलते क्षमा कीजिएगा, क्योंकि उर्दू में ये आवाज़ है ही नहीं, क्षमा वाली, वो बोलते हैं ये क्षमा या क्षमा बोलेंगे, तो हिंदी में क आधा पढ़ा जाता है, वो एक क्ष बोलते हैं उसको, क्षमा कीजिए, या इस क्षेत्र में।
तो ये आपको जो खास चीज़ें हैं उर्दू और हिंदी ज़ुबान की, ये सीखनी पड़ेगी। अब आप ये सीख के जाएंगे तो आप पे कोई हंसेगा नहीं वहाँ पे। और ज़ुबान बहुत ज़रूरी चीज़ होती है फिल्म इंडस्ट्री में। आपकी कश्मीरी की शक्ल माशाल्लाह अच्छी होती है, इनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन आप जब मुँह खोलें तब भी आपके मुँह से फूल और हीरे जवाहरात गिरने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी बात बोली आपने, पत्ते की बात बोली आपने। तो आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई, टेलीफिल्म्स बनाई, सीरियल्स बनाए, ऑटोबायोग्राफीज भी बहुत सारों की आपने प्रोड्यूस की अपनी फिल्म्स में। कोई आपकी बेहतरीन फिल्म हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई कि अब तक की आपके हाथों बनी हुई कोई बेहतरीन एक फिल्म का नाम लीजिएगा, इसमें चार पाँच की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फिल्म का। मैं एक ही का नाम लूँगा, लेकिन इसमें दो तीन बातें कहूँगा। इस फिल्म मेकिंग में, चाहे वो टेलीविज़न के लिए हो क्या हो, आप हर एक चीज़ अच्छे से बनाते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें पैसा जो लगाना होता है लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको नहीं मालूम कौन सी चीज़ क्लिक हो जाए। मैंने गालिब पे सीरियल बनाया, बहुत मेहनत की, बहुत जो पैसा था लग गया, उसमें प्रॉफिट बहुत कम हुआ। मैंने एक हिस्टोरिकल सीरियल बनाया था बच्चों के लिए, लेकिन कंटेंट अच्छा दिया, कंटेंट भी अच्छा दिया, लेकिन नहीं, वो क्लिक नहीं हुआ। फिर एक फिल्म मेरी बनी थी, ये 94 की बात है, फिर साल सब्जेक्ट अच्छा था, तो उसमें ज़्यादा मैंने मेहनत नहीं की थी, मैं सच बोलूँगा, एक्टर अच्छे लिए थे, नॉर्मल सा काम किया, वो क्लिक हो गई, दो मचाई उसने। हाँ, लेकिन उसके बाद अगर आप एक मेरी फिल्म या एक सीरियल का नाम लेंगे, वो था सुलमुत। वो एक कश्मीरी पंडित बच्ची होती है जो यतीम हो जाती है कश्मीर का माहौल, वो बड़ा पॉपुलर हुआ वो जी, और एक वो दीवाना सा होता है, मोहम्मद सुल्तान उसका नाम होता है, उसको शॉर्ट में सुल बोलते हैं, सुलमुत बोलते हैं। तो वो क्योंकि वो अकेला रहता है अपनी झोंपड़ी में, उसको एक बच्ची में आपने बढ़िया पसंद किया जी, तो उस बच्ची को उठाता है अपने पास रखता है, तो बाद में जब पता चलता है पुलिस को ये बच्ची खोई थी इसके पास, वो ले जाते हैं, फिर वो कितना तड़पता है, या बच्ची को आदत हो जाती है सुलमुत की, तो वो इतनी इंसानी जज्बात को लेके ऐसी, हालांकि मैं जैसा काम करता हूँ, बारजी ने वो रोल प्ले किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और उन्हीं के इलाके में, बारजी इलाका जो है वहीं पर जाके हमने शूट भी किया था, लोकेशन वगैरह गुलफाम बारजी ने दी। इसको कहानी को लिखा था दीपक कंवल जी ने, हाँ जी, तो प्रोड्यूस किया था खालिद गिलानी ने, और मेरे साथ मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी थे, उन्होंने इसके डायलॉग क्योंकि उर्दू में लिखा था, फिर इसको कश्मीरी तर्जुमा किया। तो लेकिन इसका हमने बड़ी बारीकी से एक एक सीन किया, बड़े आराम से, उसी बारजी जो आरवन के ऊपर इलाका है, वो लोकेशन बड़ी सूट करती थी इस चीज़ को। बच्ची हमें मिल गया, बच्ची से एक्टिंग करवाना, वो कई बार क्या होता था, अगर दो लाइन का एक सेंटेंस है वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाती थी, हमने एक सेंटेंस के चार टुकड़े किए हैं, चलो आधा आ गया आधा बोले, फिर उसको एडिटिंग में कैसे जोड़ते थे क्या करते थे, लेकिन उससे अच्छा, वो बच्ची थी उसको कभी नींद आ जाती थी, मैं शोंगुन, मुझे नहीं, मुझे भूख लग गई, अब बच्चा है उसका मूड है, और 8 साल की बच्ची थी, तो उसके माँ बाप भी होते थे सामने, कभी खाने को दो, कभी उसको बिस्कुट दो, कभी कुछ दो, कभी नहीं मैं पिज्ज़ा खाऊंगी, पिज्ज़ा मंगाओ यार इसके लिए, क्यों बच्ची है, उससे आप काम प्रोफेशनली नहीं ले सकते। उसको बड़े पुचकार के कभी मम्मी को बोलता था जरा इनको थोड़ा सा इधर घुमाओ फिरो, तो उसने भी, बच्ची ने बहुत, आप तो बड़ी हो गई माशाल्लाह। तो ये मेरा कहना है कि वो अभी तक लोगों को याद है। अच्छा, कई लोगों को ये नहीं मालूम कि वो मैंने बनाई है, कई लोग बोलते फिल्म असल सुलमुत असल में, अच्छा अच्छा अच्छी थी, क्योंकि नाम डायरेक्टर का एंड में आता है चार पाँच सेकंड के लिए, तो वो याद रहे ना रहे, उसमें ज़हूर ज़ैदी साहब ने कमाल किया था, इसमें कोई शक नहीं है, और बच्ची ने कमाल किया, कैमरा मैन मेरे अब्दुल हाद साहब थे, उन्होंने काम किया, डेडिकेशन से किया, मतलब कई बार मैंने बोला कि ये सीन जल्दी करना है, इतने में ख़त्म करना है, या क्रेन पे चढ़ के लेना, तो लेते थे, या लाइटिंग वाले, उसमें कोई भी वैसा शख्स नहीं है जिसने मेहनत नहीं की, और उसके बाद भी मेहनत हम हमेशा करते हैं, कोई चीज़ लोगों को पसंद आ जाती है तो हमारी खुशनसीब। बॉलीवुड के कौन से ऐसे कलाकार जो आपको हर दिल अजीज़ है? वहाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन शुरू से बचपन से जो मैं फ़ैन रहा हूँ वो संजीव कुमार जी का रहा हूँ। कश्मीर के आर्टिस्टों की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ भी आपने काम किया, लेकिन नाम तो एक का ही आपने लेना है, ये मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट यू हैव टू चूज़ वन। मैं एक चीज़ कहूँगा ना कि मुंबई में मैं एक का नाम ले लिया तो चलेगा, लेकिन यहाँ किसी एक का नाम लूँगा तो मेरे घर में शाम को पता हो जाएगा। सीनियर है मेरे ज़मीर साहब, बहुत अच्छे एक्टर हैं जी, ज़मीरा शाही साहब, तारिक जावेद साहब हैं, बॉम्बे में आजकल हमारी जो शान हैं मीर सरवर साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो और भी बहुत सारे एक्टर हैं। अब अगर फिर आपने एक पे फंसाया
तो मैं जहूर जैदी का नाम लूँगा, क्योंकि मेरी दो प्रोडक्शंस में उन्हें बेस्ट एक्टिंग अवार्ड मिला है एकेडमी की तरफ से। एक था सीरियल एक अफसाना चमन का, उसमें ड्राइवर का रोल उन्होंने किया था, बोला नेचुरल, और दूसरा ही सुलमत में किया था। तो उनको भी मुझसे ये लगाव है कि मुश्ताक साहब जब भी मैंने आपके साथ काम किया तो मुझे अवार्ड मिला। मैंने कहा जब आप उसके लिए लकी डायरेक्टर हो, और मैंने उनको कहा, मैं कहा जब भी आप मेरे साथ काम करते हो तो मेरी फिल्म को भी अवार्ड मिल जाती है और आपको भी अवार्ड मिलता है। ये कुछ ऊपर से खुदा ने कनेक्शन बना के भेजा हुआ है जी। तो इससे पहले हम आपसे रुख्सत लेंगे, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में कौन से प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो? जी बहुत, जो लॉकडाउन का पिछला टाइम गुजरा उसमें मुझे एक, मैं पढ़ाई में ज़रा मुझे कम टाइम मिलता है, लेकिन लॉकडाउन में मैंने कुछ स्क्रिप्ट पढ़े हुए हैं, तो फिल्में छोटी बड़ी कुछ बनाने का शौक़ रखता हूँ, बिल्कुल उनके स्क्रिप्ट वगैरह तैयार हैं। तो अभी फिर लॉकडाउन लग जाता है तो फिर कभी ये हो जाता है, तो दो चार फिल्में मेरे बिल्कुल स्क्रिप्ट उनका तैयार हैं। एक सबसे छोटी फिल्म जो है 2 मिनट की है और सबसे बड़ी जो है वो 20 मिनट की है। ये 3-4 फिल्में हैं मेरी, बिल्कुल मतलब उनका होमवर्क करके रखा हुआ है, थोड़े से हालात साजगार मिले तो उन फिल्मों को करेंगे, आपके सामने लाएंगे, फिर आप उनकी तनकीद कीजिए या तारीफ कीजिए। काजी साहब, आपका ज़ाती तौर पे और चैनल कश्मीर पेट्रियाट का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया यहाँ कुछ बातें करने को, शेयर करने को। मैं कोई उस्ताद तो नहीं हूँ कि आपको लेसन से वो दे सकूँ, हाँ अपने जो काम हैं, अपने जो एक तजुर्बात और मुशाहिदात हैं उनको आपके साथ साझा किया, अच्छा लगा। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर पेट्रियाट से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और रौनक बढ़ाई हमारी इस एक मुलाकात प्रोग्राम की। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे वक्तन फ़ोक्तन मुलाकात होती रहेगी। तो नाज़रीन, ये थे मुश्ताक अली अहमद खान साहब, जो फिल्म मेकर भी है और एक कद्दावर शख्सियत जो आज हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी और किस तरह उन्होंने इस इंडस्ट्री को आबाद किया और कितने सीरियल्स उन्होंने प्ले किए, किन कलाकारों के साथ, किन आर्टिस्टों के साथ उन्होंने काम किया, आपने उनकी सारी स्टोरी उन्हीं की ज़बानी सुनी। तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ लेते हैं आपसे रुख्सत, इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और प्रोमिनेंट पर्सनालिटी को आपसे रूबरू कराएंगे। इससे पहले आपसे रुख्सत लेंगे, हमारे इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान काजी सईद शफीक और कश्मीर पेट्रियाट की एक मुलाकात की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से रुख्सत। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह नेकी।